गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर पूजा क्षीर सागर मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये VC करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर पूजा क्षीर सागर मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक जी, माय प्लेजर मैम। जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर बोनी हुसैन एंड ऑल साइंटिस्ट जिन्होंने रेपर्ट्री पे इतना ज्यादा काम किया है, हमें एक इजी रास्ता दे दिया है रेपर्ट्री पे काम करके। सो ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर चंद्रा सर, ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर श्यामल किशोर सर, ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर गुप्ता सर, डॉक्टर परवीन सर, डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर मानिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, सो एंड ऑल IHF फैमिली मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। सो स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर परवीन सर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दिया मेरी केस प्रेजेंट करने के लिए, और उन्होंने ये मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने इतना कोऑपरेशन किया है आज की केस प्रेजेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंस भी दिया है और मैं कर सकती हूँ ये कॉन्फिडेंस दे दिया है उन्होंने। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने मुझे इतना प्यारा प्यारा वेलकम किया है, और उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। तो आज का जो केस है एक्चुअली मोस्टली तो मैंने फील्ड पे ये किया था, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ये पता नहीं था कि कितने रूब्रिक्स लेने हैं, कैसे रूब्रिक्स होते हैं और रूब्रिक कैसे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मोस्टली तो फील्ड पे मैंने काम किया था और शुरू में रूब्रिक्स कैसे बनाएंगे ये बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं बाय हार्ट करती थी रूब्रिक्स कैसे ये वो और कैसे लगाएंगे ये भी सोचती थी। और शुरू में क्या होता था कि मैं इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, एक सॉफ्टवेयर था जो सिंथेसिस रेपर्ट्री, अब तो रडार आई है लेकिन शुरू में सिंथेसिस मिल गई थी, तो एक दो रूब्रिक मैं लेती थी कि जैसे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जो फील पे ज्यादा ये करती थी, और एक या दो ऐसे रूब्रिक लेती थी। तो फर्स्ट केस को देखकर मैंने ले मैन की तरह सोचना शुरू कर दिया था कि पहले मुझे देखने के बाद क्या फील होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हम ज्यादा डीप में जाने से अच्छा है कि वाइजली कुछ सोचे और थोड़ा लेमैन की तरह सोचे। ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर लियाकत सर जिन्होंने मेरा बेस एकदम पक्का किया है, उनसे ही मैंने जेस्चर सीखे हैं, उनसे मैंने रेपर्टरी कैसे पढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखा है। और जबकि माइंड मेथड में हम बिल्कुल नए थे, जैसे ऐसे रूब्रिक कैसे बनाते हैं ये भी, ये जो बेस बोलते हैं ना, तो उनसे सीखा है, जैसे कि हमारा फियर सारा उन्होंने निकाला है। सो एक दो रूब्रिक लगाकर जेस्चर्स को समझकर कैसे हम सिमिलिमम तक जाना है, ये तब मैं फील करती थी कि कैसे करें। तो लेमैन की तरह सोचना शुरू कर दिया था। तो ये केस मैंने बेटे के साथ एक बार डिस्कस किया था, तो उसने मुझे बताया था कि ये है, तो ये बिल्कुल एक लाइन की तरह, एक उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन थे। तो इस तरह भी हमें बहुत यूजफुल होता है कि हम घर के लोगों के साथ भी कभी कभी डिस्कस, क्योंकि उनका तो ऐसे बोलते हैं ना कि लेमैन की तरह उनको इसका कुछ पता है, हम ज्यादा सोचते हैं कभी कभी, तो इसलिए भी कुछ हम डीप नहीं जा सकते। तो उनको ऐसे कोरी पार्टी बोलते हैं ना, तो उनको भी पूछकर हम बहुत हेल्पफुल होता है उनको भी पूछना। तो इस टाइप का हो गया था। तो जो ऐसा मैंने सोचा था कि जो पढ़ा था कि रेपर्टरी में काम करने वाले जो है, रेपर्टरी पे जिनका कमांड है, रेपर्टरी के जो
उसपे ही काम करने वाले लोग हैं, तो वो भी बोलते हैं कि सिर्फ रेपर्ट्री को साथ लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो रेपर्ट्री मटेरिया मेडिका ऑर्गन उनको साथ लेकर चलना है। तब तक रेपर्ट्री हमें सीखने हैं जब तक हमें क्या ढूंढना है ये पता नहीं, तब तक उसको पढ़ना है, एक बुक की तरह हमें रेपर्ट्री पढ़ना है। तो वो भी बोलते हैं कि रेपर्ट्री को सिर्फ करके कुछ फायदा नहीं है, हमें मटेरिया मेडिका का भी रेफरेंस लेना पड़ता है, ऑर्गेनोन का भी। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, और कब क्या देखना है, रेपर्ट्री कब खोलनी चाहिए, किसके क्या सर्च करना है, ये जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक रेपर्ट्री की हमें पढ़ाई करनी, एक बुक की तरह हमें रेपर्ट्री पढ़नी होगी। ये लेक्चर वैसे भी रूब्रिक के साथ खेलने वालों के लिए नहीं है, ये तो मेरा फर्स्ट वीसी है जिनका रूब्रिक पे कमांड है, रेपर्ट्री पे कमांड है, उनके लिए वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। क्योंकि हमारे सामने जो पेशेंट आता है, एक पेशेंट अगर आ गया सेपिया का, तो नेक्स्ट पेशेंट जो है उसमें कुछ अलग ही दिखता है, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन है। लाइफ लॉन्ग हमें हमारी जो ये होता है ओपीडी क्लिनिकल होता है, तो उसको हम प्रैक्टिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन है, एक कुछ ऐसा रूल नहीं होता जो मॉडर्न मेडिसिन में होता है। ये एक खासियत है हमारे होम्योपैथी की। इसीलिए तो वंस अगेन ग्रेटिट्यूड टू ऑल, ग्रेटिट्यूड टू परवीन सर। तो हम केस को पढ़ें। जरूर जरूर पढ़ेंगे। हाँ, मैं ही पढ़ लेती हूँ। पेशेंट बोलता है कि मुझे चिड़चिड़ापन होता है, पाइल्स की कंप्लेंट्स है, कॉन्स्टिपेशन है, और चक्कर आता है, मोशन शुरू होते हैं, वोमिटिंग होती है, खांसी होती है, और दोपहर के साथ गर्माहट बढ़ती है। और बड़ी बेटी हुई तब पाइल्स की कंप्लेंट थी, छोटी बेटी के वक्त ज्यादा हुई, अभी भी है पाइल्स की कंप्लेंट। तो तबीयत अच्छी नहीं रहती, कभी ये कभी वो, कोई बात मुझे कोई बात नहीं, मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे भी पता है, फिर भी चिड़चिड़ाहट होती है और थक जाती हूँ जल्दी, आज ये हो गया कल वो हो गया। स्टमक का मेन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता कभी, लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं, अभी ठीक हूँ तो शुरू हो जाएगा, फिर बैठे बैठे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। सुबह ठीक रहता है, जैसे जैसे दोपहर होती है, दिन बढ़ता है, तो लगता है कि कमजोरी और वीकनेस है, मतलब थकान ये है, तो फौरन कुछ खा लूँ ऐसा लगता है। ये सारी कंप्लेंट 6 साल से चल रही है। मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या टेंशन है तुम्हारे लाइफ में, तो बोलते कि आजकल तो नहीं लग रहा है मुझे कोई टेंशन। मैंने बोला कि तो पहले क्या बात थी, आजकल का छोड़ दो, पहले का भी कुछ बताओ ना, 6 साल से कंप्लेंट है। तो वो बोलते कि एक्चुअली मुझे यहाँ का पानी ही सूट नहीं होता, नहीं करता, जॉब करती हूँ, पाइल्स की कंप्लेंट में उठना बैठना, जॉब की जगह तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, दर्द होता है, और लेक्चर जब लेती हूँ तो उस वक्त तबीयत खराब हो जाती है, तो बाहर ओपन एरिया में जाऊँ तो दिल ऐसा दिल करता है, तो लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जब तबीयत खराब होती है ना, तब ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाती हूँ, बैलेंस करना मुश्किल होता है, और ड्राइनेस बहुत जाता है गले में, ऐसा वो बोलती है। तो मैं बोलती हूँ, उसका सारा सुन लेते हो, तो टेंशन क्या चल रही है बताओ, ये तो तुम्हारा सारा कंप्लेंट्स हो गया ना, तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये तो सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हारे, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसा कभी मन में आया है कि तुम्हारे कुछ सोचती हो क्या। तो वो बोलते कि मैं इग्नोर करती हूँ। तो मैंने बोला कि होता है क्या तुमसे इग्नोर, तो वो बोलते कि बच्चे, मैं, कभी हस्बैंड, इनकी तकलीफ होती है, गरमाइश बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तो मैंने बोला कि गुस्सा आता है, तो वो जो बोलते हैं ना इग्नोर करती हूँ, उसका मैं आगे बोलती हूँ आपको, गुस्सा आता है क्योंकि वो सारा ये बता रही कि मुझे पानी नहीं सूट होता, बर्दाश्त नहीं होता ये। तो मैंने बीच में उसे कहा कि गुस्सा आता है तो कब आता है, किस बात का आता है, तो वो बोलते कि काम का बर्डन होता है, काम खत्म ही नहीं हो रहा, तो बोलना शुरू कर देती हूँ और बहुत ज्यादा थकने पर थोड़ा थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, मुझे अकेले को ही सारा काम करना पड़ रहा है। हस्बैंड तो 9-10 बजे आते हैं, वो एक जॉब में है, कब
मतलब उसकी उनकी ड्यूटी ही है, वो रोज उसी टाइम पे आते हैं वो, तो लेट आते हैं वो, तो चेंज नहीं होना है उनको, कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने। अब सासू माँ तो समझती ही नहीं, उन्हें लगता है कि मैं भी उनको उनके जैसा करूं, मैं जो वो करते हैं उनके जैसा ही मैं करूं, और एक्सपेक्ट करती है, और मैनेज करते करते मैं थक जाती हूँ, वो सेटिस्फाई नहीं हूँ, आदत हुई है। अब मैं बोलती हूँ आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो और आपको होना ही नहीं है, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, ज्यादा बोलेंगे तो क्या करेंगे? ये तो बोलते हैं ठीक है, ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हें क्या लगता है? तो बोलते हैं अंदर से वैसे बहुत बुरा लगता है। मैंने बोला कि फिर वो बताओ ना, अंदर से क्या लगता है वो बताओ। तो बोलते कि जो भी कहे मुझे अब नहीं बोलना है, चलो मुझ में ही कमियां हैं, जॉब, घर, बच्चों का, मतलब स्कूल भेजना उनको, वापस आना, घर का देखना। तो मैंने बोला कि अपने आप से क्या कहती हो तुम? तो वो बोलते कि काम तो बहुत ज्यादा करती हूँ, उनको भी पता है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा वो भी कुछ समय दे मुझे, मतलब शेयरिंग करे और टाइम दे मुझे। और वो बोल रहे कि वो लेट आते हैं, और उसका जो देवर है, उनके जो देवर है वो उनकी जो देवरानी होती है ना, उनके साथ कितने कोऑपरेटिव है, दिस इज द केस। कोई इनपुट देना चाहता है तो बोलो, वरना हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जी बताइए, प्लीज ऐड कीजिए सभी। हेलो, बैठोगे नहीं, बोलो बिंदास। हेलो मैडम। हाँ आ जाओ। हेलो, यस बोलो। ये लेडी डांसिंग में लग रही है, सब कर रही है, सब एडजस्ट कर रही है, काम कर रही है, यानी डांसिंग ही कर रही है घर के लिए, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं लग रहा, नहीं मिल रहा है उसे, सास की तरफ से, हस्बैंड से इतना टाइम नहीं मिल रहा है। इसके लिए उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, इरिटेट हो रही है, और डिल्यूजन पुअर भी है कि मुझ में ही कुछ तो कमी है जो ऐसा हो रहा है, ये उसका फीलिंग है। ये सब लेके मुझे सेपिया लग रही है। अच्छा सोचा है आपने, आपने क्या कहा, डिल्यूजन पुअर, हाँ डिल्यूजन पुअर वो बोलती है क्यों ना कि लगा मुझ में, आपको? आपने वो सेंटेंस बोला ना, मुझ में ही कुछ कमी है जो ऐसी सब चीजें हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आप उस तरफ बाद में। ओके। हेलो, गुड इवनिंग मैम। बोलो। हाँ, ये लेडी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, घर की सब जिम्मेदारी लेती है, बहुत अच्छी तरह सब निभा रही है, लेकिन इसको कहीं मुझे लग रहा है कि इसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। जितना वो करती है सबके लिए, उतना वो उसके उसका वो हस्बैंड है या उसकी वो सासू माँ है, वो उतना उसको एप्रिसिएट नहीं करती कि तुम इतना सब हमारे लिए करती हो, तो हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारी केयर करे, या थोड़ा उसको हेल्प करे, ऐसा वो कुछ नहीं करती। और मुझे तो ये डिसकंसर्टेड लगी थोड़ी थोड़ी, और ऐसा ज्यादा फील, इग्नोर करती है, इसका मतलब है कि वो सबको अभी जाने दो, ऐसा ही रहने वाला है। वो पति वो जो आता है 10 बजे, वो 10 बजे आएगा, आएगा वो खाना खा के सो जाएगा, हमारे बीच में कोई वार्तालाप नहीं होगा, जैसा रोमांटिक ऐसा चाहिए वैसा कुछ नहीं होता, जैसा वर्क होता है वैसा उसकी लाइफ में चल रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है इस केस में। थैंक यू मैम। थैंक यू।
आपने मेडिसिन क्या बताया? और कोई बताने वाला है? अच्छा, हेलो सर। वाला है क्या? हेलो, इतने सारे मेंबर्स है, बोलो यार, इतना हेलो, बढ़िया केस डाला है और बात नहीं कर रहे हो आप। हाँ स्मिता मैम, बोलो, कोल्हापुरी रस्सा आने दो। जो खाती नहीं उसी पे कमेंट करते हैं सर आप। ओके सर, उससे आपको खाने की इच्छा हो जाए। ना ना। ओके पूजा मैम, ये लेडी है ना, वो घर का पूरा जिम्मेदारी उठा के रखा है उसने। वो दिन रात मेहनत कर रही है, जॉब भी कर रही है, टीचिंग करती है, बच्चे को संभालती है, घर के लिए सब कुछ करती है। रात को पति लेट आता है, फिर भी उसको खाना परोसना, सब सब कुछ कर रही है वो। तो मैंने डांसिंग लिया है उसको। कहीं से भी उसके सास से या पति से लाइक जो अफेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और पति के साथ वो टाइम भी नहीं गुजार पा रही है। यानी शी इज नॉट एबल टू शेयर हर इमोशंस, या कुछ भी थॉट प्रोसेस होगा वो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही है। पति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, टाइम भी नहीं दे पा रहा है, तो डिसीजन नेग्लेक्टेड लिया मैंने। इतना सब करके भी अप्रिसिएशन भी नहीं है। इस रूब्रिक में ही अटकी पड़ी हूँ एक्चुअली मैं तो। वो अप्रिशिएटेड शी इज नॉट। और लास्ट का जो सेंटेंस, जनरली पेशेंट का ओपनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसने कहा कि उसकी बहू, सॉरी देवरानी, देवरानी और देवर का जो केमिस्ट्री है वो देख के उसको लगता है कि वो लोग कैसे शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, केयरिंग करते हैं, वैसे तो मुझे नहीं मिलता है। तो एनवी लिया मैंने। और अभी वो ये जो बातें हैं उसकी, वो जाने दो बोल रही है, छोड़ दे रही है। तो मैंने इनडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज, ये रूब्रिक इतना नहीं पता मुझे, लेकिन डेल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। पहला तो सेपिया आ रहा है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, डांसिंग कब करते हैं? डांस कब करते हैं? डांस क्यों किया जाता है? जब खुद को भी आनंद मिलता है और दूसरे भी उनमें से मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि वो ताल, सुर, लय, ये सब सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, रिदम का वो सेंस हार्मनी रहता है ना होता है, उसमें। हार्मनी होता है। हाँ, तो वो जो डांसिंग है ना, तभी डांस करते हैं ना, मुझे मजा आना चाहिए डांस में। मुझे मजा नहीं है तो मैं डांस क्यों करूंगी? नहीं, फिर दूसरों को इतनी आनंद मिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रखी है उसने इतनी सारी? हालांकि वो निग्लेक्ट हो रही है, फिर भी वो करने की कोशिश करे, तो यहाँ पे ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी लेना पड़ेगा फिर। इन दोनों को मत छोड़ो कि निग्लेक्टेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आती हूँ मैं आपकी तरफ। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? पूजा मैम, डिग्निफाइड स्टेपिस अग्रिया हो सकती है क्या ये? आप पूछ रहे हैं, रिमेडी का नाम बता दो। मुझे बता रहा हूँ, लियाकत सर के अंदाज, कैसे? हम दोनों भी लियाकत सर के स्टूडेंट है, उसी उन्हीं के अंदाज में बोल रहा हूँ। स्टेपिस अग्रिया लगता है फील वाइज। जब सर को हम ऐसा पूछते थे ना, तो सर बोलते थे मुझे पूछ रहे हो क्या आप?
आप ही बता दो क्यों डिग्निफाइड। और कोई बोलने वाला है? जरूर मेरा चौथा ड्रग बोलूं मैं? जरूर। रितिकम वल्गैरिस ओके, तीसरे कौन, तीन कौन से है ये भी रहा है। मैंने तो एनालिसिस में सीपीआरडीडी कारसी डाला दो और था। फिर सीपीआर डीडी पता नहीं कारपी। क्यों हेमामेलिस आया और अभी रितिकम वल्गैरिस टिक्टिकम। लग रहा है। या वो ओके ओके। फाइनली छोड़ दे रही है ना, कंप्लाई कर रही है ऐसे लग रहा है। ओके। अभी ओवरऑल क्या लगी नैट्रमोल, अच्छा नाट्रमोल बोला आपने। नैट्रम डिलीजन एप्रिसिएटेड, शी इज नॉट डिलीजन निग्लेक्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। और वो जो देवरानी का है ना, उसे जो पी हाँ देवर देवर एनपी देवरानी जो अच्छे एनपी। रहते हैं। हाँ एनवी नहीं अच्छा लिया मैंने, जेलसी लिए। हाँ जलसी। ओके ओके ठीक ये सब लिया तो है। नेटवर्क भी आ रहा है डीडी में। डीडी में नैट्रमूर आ रहा है। और फर्स्ट क्या है आपका? बस सीपिया अच्छा फील वाइज गई तो सीपीआर आ रहा है ऐसे अच्छा सुनने के बाद, और रेपेटाइज किया तो नहीं। ओवरऑल ये पेशेंट कैसे लगा आपको? अगर मैं आपको बोलूंगी मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा, जैसे जैसे सूरज पड़ता है तैसे गर्माहट होती है, फिर ये खाऊं तो, या फिर मुझे वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, ये होता है वो होता है, सासू माँ ऐसी है मुझे बोलती है, कंप्लेनर हस्बैंड हूँ, लेट कंप्लेनर आता है। इस इतनी में और कंप्लेनिंग क्या लगा? और क्या लगा? लग रहा है मैडम, कंप्लेन कर रही हूँ। कुछ पूछूं तो भी स्टार्ट कैसे करते हैं? यहाँ मुझे ना एक्चुअली पानी सूट नहीं हो रहा, जैसे जैसे सूरज पड़ता है, क्लास में जाऊं तो वहां पे मुझे ऐसे फेंटिंग आने जैसा हो रहा है, ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊं, या फिर वहां पे फेंट तो मैं बाहर आती डिससेटिस्फाइड हूँ। लग हम्म, रही है। एक तो सिंपल सेंसिटिव है मैम, डिससेटिस्फाइड। सेंसिटिविटी है एक तो, और दूसरा जो है तो ओके डिसकंसर्टेड लग रही है। दूसरा जो है तो डिसकंसर्टेड लग रही है हर चीज से। एक तो सेंसिटिव, मुझे पूरा रूब्रिक क्या लेंगे आप? सेंसिटिविटी को छोड़ो मत, तो सेंसिटिविटी एवरीथिंग टू, ऐसा कुछ तो भी है ना रूबरी को। आपके सामने है ना रेपर्ट्री? जी नहीं, मैं देखता हूँ मैम। सेंसिटिव लेडी ये इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव वुमन। तब तक कोई और बताए। ओके इग्नेशिया है क्या मैम? ये ये मैं, मुझे तो इग्निशिया इग्नेशिया लग लग रहा है, रहा मुझे है। इग्नेशिया लग रहा है। इग्नेशिया पहले से लग रहा था, यस, इग्नेशिया डिसकंसर्टेड। हाँ डिसकंसर्टेड इग्नेशिया है ये। और सेंसिटिविटी का जी, क्या बोला आपने? सेंसिटिविटी वुमन बोल क्या है मैम रूब्रिक यहाँ पे, अच्छा सेंसिटिव वुमन। हाँ अच्छा हो गया सबका। और एक एक रूब्रिक और लगेगा, कोवर्डाइस विदाउट हर ओपिनियन। पति टाइम से तो आ भी नहीं रहा, फिर भी वो बोल नहीं पा रही है। और एग्जैक्टली डिसकंसर्टेड तो है, क्योंकि पानी भी खराब करता है। देखो हम इतना भी करते हैं लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं कर रहे, वो अपना वैल्यू जनरेट है। तो मुझे ज्यादा मॉरल्स मेरे में भी है ना, इग्निशिया का ये ही फील लग रहा मॉरल्स में भी है। है। वो बोल नहीं सक रहे, सबको बोल नहीं सक रहे कि मैं करती हूँ, आप क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। अब पति को समझना चाहिए ना कि उन्हें मुझे टाइम देना चाहिए, वो देर से आते हैं, उन्हें समझना चाहिए ना। ये नहीं बोल रही पति को कि आप क्यों ना, ऐसे कंप्लेन नहीं कर रही है पति को। ये पति ने समझना चाहिए कि हाँ मैं इसको टाइम नहीं दे रहा, तो समझो सब ऐसे कंप्लेन शुरू है।
ऐसा सही हाँ कहा, बिल्कुल, ये एग्जैक्ट फील रिप्रोचिंग वन है। सेल्फ भी है, क्योंकि रिप्रोचिंग वन यज्ञेश सेल्फ। का रहता है ना कि आप समझो मुझे क्या हो रहा है, मैंने बताऊंगी, आपको ये पता नहीं तो बोल के क्या एग्जैक्टली, पता बोल के क्या बिल्कुल फायदा, ऐसा ऐसा सही रहता है कहा, ना सही यज्ञेश का, तो यज्ञेश अलग है मुझे कहा। पहले से भी। हाँ ऐसे वर्जन मिलते भी हैं हमें पेशा जी 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 मैम में। तो चलो, अब तो सारा कुछ सामने है, मैं बोल देती हूँ। शुरू में ना, जब ये केस मुझे मिल गया था, तो ऐसा ही मेरा कंफ्यूजन हो गया कि मैं नटरम हूँ। सेपिया तो पहले माइंड में आ गई थी, दूसरा नटरम मूर भी था, स्टैप भी थी, कार्सी भी थी। तो इग्नेशिया तो दूर दूर तक मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, जब ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो लेमैन की तरह सोचना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। और मेरे बेटे के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ मैं डिस्कस करती हूँ कुछ केसेस, तो वो उनका जो कभी कभी एक हद पॉइंट मिल जाता है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैंने बेटे को ये बोल दिया, तो वो बोला कि ये तो सेंसिटिव लग रही है, कितनी सेंसिटिव है ये लेडी माँ। तो मैंने देखा रेपर्टरी में, तो मुझे सेंसिटिव वुमन करके वो रूब्रिक मिल गया मुझे। तो उमन मेटाफोरिकली भी अगर हमने ले लिया ना, तो उमन किसे कहते हैं, एक वीकर सेक्स, और दूसरी ये बात है कि जिनसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है ना। कुछ भी कहो, तो एक हाउसवाइफ को ले लो, तो घर के सारे लोग उससे अपेक्षाएं करते हैं कि उसने ही सब कुछ करना है। कुछ भी ना कर, अगर वो वर्किंग वुमन है, फिर भी 9 मंथ तो बच्चे को अपने पेट में तो रखती है, वहां तो उनकी अपेक्षाएं रहती है ना। सो ये सेंसिटिव, ओवरऑल देखे तो सेंसिटिव है। केस को पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी सेंसिटिव है, यहाँ जाओ ये होता है, सूरज चढ़ता है तो इसको गर्माहट होती है, फिर यहाँ का पानी सूट नहीं होता है, तो सूट होता क्या है, सासू माँ ये बोलती है, हस्बैंड लेट आता है, सासू माँ तो थोड़ा तो बोले ना, अगर सासू माँ नहीं बोलेगी तो उसको सासू माँ नहीं कहेंगे, हम फ्रेंड कहेंगे, उतना तो बोलेगी ही। और उसने कम बाकी कुछ भी नहीं बताया कि मुझे सासू माँ ने एक बार ऐसा किया था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। सासू माँ बोलती है, और हस्बैंड तो उसका ड्यूटी है, रोज ही अगर वो आता है 9 बजे वगैरह, तो एक बार बोल लो उससे कि क्या है वगैरह, तो वो भी नहीं। उसका आने का टाइम, मतलब अगर 10 बजे ले लो हम, उस टाइम तो इतना भी लेट नहीं, मतलब सोने का वक्त तो नहीं है ना, तो बच्चों के साथ वो सोने का समय होता है उसका, वो बोलते हैं, लेकिन वो उठती है उसको परोसने के लिए, ऐसा उसने नहीं कहा कि उसको पता है कि सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उनकी मजा मैं लूंगी कि लेने दो, खाने दो हाथ से उनको, मैं नहीं परोसूंगी, ऐसा तो नहीं कहा ना उसने। उठकर उनको परोसती है एक बार, तो वो क्या बोलते कि डिस्कस होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, तू क्यों सोती है ना, एक बार तो खाना परोसने के बाद वहां पे बैठ गई तो भी डिस्कस होगा ना। तो इतनी सेंसिटिव है, और कुछ ना बोल के तुम समझो, बस मुझे क्या मन में चल रहा है तुम समझो, ऐसा उसका फीलिंग है। सब कुछ मैं ही बताऊं क्या, ऐसा भी है उसका। और सासू माँ का वो कंप्लेंट बताना, और स्कूल में जाने तक वहां फेंटनेस उसका फील होना, और ये सारे सारे कंप्लेंट से की वजह से मैंने सेंसिटिव वुमन ले लिया था। और एक बात मुझे, मैं भी कंफ्यूज थी ये सारा कि ये सेपिया ही है, लेकिन उसके बाद मैंने लास्ट का पॉइंट, हम बोलते हैं ना कि शुरू का लास्ट का इम्पोर्टेंट होता है ओवरऑल सोचे तो एनवी तो पक्का था उसका। तो और एक जगह वो बोले कि मैं ही गलत हूँ, तो रिप्रोचेस हिमसेल्फ जो एक रूब्रिक है ना, तो वो मैंने लगाया था। तो यहाँ पे बाकी कुछ कुछ रिमेडी आउट हो जाती है रिप्रोचिंग हिमसेल्फ में, जो सेपिया आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें सेपिया नहीं है शायद। तो एक तो सेंसिटिव उमन में 3 मेडिसिन मिल गई थी, रिप्रोचेस हिमसेल्फ मैंने लगाया था, वहां पे सेपिया नहीं थी, सेपिया तो आउट ही हो गई थी, एनवी लगाया था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इतना बता रही है बच्चों का करना, हस्बैंड एंगर किसी ने रूब्रिक ले ले, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हस्बैंड बीमार रहते हैं, एंगर कहाँ है वो तो सिर्फ ये चाहती है कि टाइम दे, थोड़ा सा बात करे और मेरे को समझे वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद से ये जिम्मेदारी उठाई है,
और दूसरा ये बात है कि वो किसी ने डिलूजन पुअर का फील आया है, किसी को डांसिंग का मार्क सेंस ऑफ रिदम वाला लगाया है, और जहां पे पुअर फील आपको लग रहा है ना, वो क्या बोलते कि थकती है वो। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी ताकत कम हो रही है, मुझे मैं वीक होती जा रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी फील पुअर वाला फील नहीं है। वो नर्वस एग्जॉशन है कि वो मेंटली वो एग्जॉस्ट हो रही है, तो वो एक रूब्रिक लगाया ना, तो बाकी तो सारे वो आउट ही हो जाते हैं। सो फाइनली मैंने इसको इग्नेशिया 30 का सिंगल डोज दिया था, तो एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइज, उसकी सासू माँ उस पे टिक्का बोलते ना, टिक्का टिप्पणी करना, उसके दोष ऐसे निकाल के उसको ताने देना वगैरह, तो वो जो फील था, तो वो एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म वाला, क्रिटिसाइज फ्रॉम बीइंग, ये रूब्रिक मैंने लगाया है। और ओवरऑल देखे ना, तो उसने एक जगह क्या किया कि मैं निग्लेक्ट करती हूँ, मैंने उसे ये कहा कि निग्लेक्ट होता है क्या तुमसे, तो वो मतलब समझने की बात है कि वो निग्लेक्ट करना चाहते हैं लेकिन निग्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसका द्वंद शुरू हो जाता है। जैसे कि इग्नेशिया पेशेंट, इग्नेशिया जो होता है ना, तो इतना लोगों को प्यार देता है शुरू में, लेकिन लोगों से अपेक्षा भी उतना ही करता है। मैं अगर तुम्हें प्रेम दे रही हूँ तो तुम्हें भी मुझे देना चाहिए। और उसका हस्बैंड लेट आता है, तो वो चुप करके बैठ जाती है, उससे बात नहीं करती है, वो दिखाती है फेलिंग सिक में भी है, वो बात नहीं करती, उठती है, खाना परोसती है, तो यहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। इस यहाँ से उसके कंप्लेंट शुरू हो गए कि रियलिटी क्या है, एक्चुअली उसका माइंड क्या है, और इंस्टिंक्ट मतलब उसका जो अंदर है वो क्या चल रहा है, कि उसको लेट उसका तो ड्यूटी है, तो वो थोड़े ही काम छोड़ के घर में बैठने वाला है, 9 बजे कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू हो गया है कि द्वंद शुरू हो गया है, इग्नोर करना है लेकिन इग्नोर नहीं कर पा रही है, उस पे ही सोच रही है वो। और जहाँ पे फेंटिंग होता है उसको, वो मैंने रिट्रो में लगाया है, एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग मैंने लगाया है, और ये सासू माँ खुद मैं ही सारे काम कर रही हूँ, मतलब बोलते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है, वो मेरा लेफ्ट हैंड है, आर्म मतलब मेटाफोरिकली अगर ले लिया तो डिलूजन आर्म्स बिलोंग्स टू हर, आर्म्स डू नॉट, मतलब ये मेरे अपने हैं लेकिन मुझे कुछ ऐसा, मुझे ही सब करना पड़ता है। तो मेरा फर्स्ट रूब्रिक तो सेंसिटिव वुमन था और एनवी था, बाकी सारे तो मैंने रिट्रो में लगाए थे। तो ये है इग्नेशिया, और मैंने उसको 30 का सिंगल डोज दिया था, तो ये उसका जो पाइल्स की कंप्लेंट थी, उसका वो फेंटिंग होना, चक्कर आने जैसा फील होना, और ये जो खुद को इस टाइप का था, तो वो सारा उसका कम हो गया और उसको बहुत सारी रिलीफ मिल गई। तो मैं शुरू करूँ थोड़ा सा इग्नेशिया के बारे में बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल जी मैम जी बिल्कुल हाँ, मैम वो आर्म्स फाइनली वाला हम, ओरिजिन बताइए ना, आर्म्स वाला। हाँ, हम बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आर्म मतलब ये हमें आर्म की क्यों जरूरत पड़ती है, कि हेल्प हो या फिर मेरी बाजू हो, मतलब ये मेरा क्या बोलते हैं उसे, ये मेरा मदद करने वाला है ना, आर्म जो है ना तो ताकत के लिए होता है। हाँ ताकत, सॉरी, तो वो मुझे मदद नहीं कर रहे, उसकी अपेक्षा तो है लेकिन मुझे ही सारा करना पड़ता है, सासू माँ मुझे ताने देती है, क्रिटिसाइज कर रही है, वो हस्बैंड को बताती है ये, वो भी लेट आता है, तो मेरे अपने जो है ना, ये मेरी ताकत है, वो फिर भी उन सबका वो कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, तो ये मेरे अपने नहीं रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा है कि ये आम मेरी ताकत है, क्योंकि ये मॉरल में है ना, ये सारा बताते वक्त उसने कहीं पर भी अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज किया, सासू माँ ने एक बार ऐसा किया वैसा किया ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मुझे एक दो बार बोली, इतना ही उसने बताया है, तो मॉरल इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी उसने अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज किया था, तो मैं
स्टार्ट करती हूँ कि जैसे मैंने कैसे फील लिया इसका। तो अब हम सबको पता है कि शुरू में जब हम मतलब माइंड मेथड में नए थे, उससे पहले जब हम फोर्थ ईयर में वगैरह थे तब हमको इतना ही पता था, जबकि हमें हमारी जो शिक्षण पद्धति है तो वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना कितना बताते हैं ये भी एक सोचने की बात है। जब हम फाइनल ईयर पास हो जाकर बाहर आते हैं तब क्लिनिक में आकर बैठने पर पता चलता है कि रूब्रिक अब कैसे लगाएंगे, तब सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है और हम फिर किसी मेंटोर के सर्च में जाते हैं कि कौन क्या सीखेंगे वगैरह वगैरह। तब तक तो हमें रेपर्ट्री का थर्ड ईयर में एक दो लेक्चर होते हैं, ऑर्गेनॉन तो सिखाने वाले अच्छे हो तो ठीक है, मटेरिया मेडिका तो फील देते ही है वो, उसकी बात नहीं है, लेकिन रूब्रिक बनाना, उसको वो सॉफ्टवेयर में डालना, एक्चुअली उसका फील लेना, यहाँ इतने प्रॉब्लम आते हैं हमें कि मतलब पूछो मत। तो इंटर्नशिप होने के बाद सारा कुछ हमारा स्टार्ट होता है और वहां से हमारा स्ट्रगल शुरू होता है। तो तब तक हमें इग्नेशिया का सिर्फ या फिर किसी मेडिसिन का कितना कुछ पता रहता है, जैसे कि हम इग्नेशिया के बारे में ही अब सोचेंगे कि इग्नेशिया का जो है तो हमें क्या पता रहता था इग्नेशिया के बारे में, जैसे कि कॉन्ट्रावर्शियल पॉइंट जो होते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, कि उसको जो निगलना होता है तो सॉलिड से उसको अच्छा लगता है, लिक्विड से उसको तकलीफ होती है, जब उसके कानों में आवाज आती है तो म्यूजिक से उसे अच्छा लगता है, जहाँ दुख की बात हो तो उसे आनंद मिलता है किसी के दुख में, या फिर दुख का हो तो उसे वहां पे हंसती है, जहाँ हंसने की बात हो वहाँ वो रोती है, और जहाँ फीवर होता है तो वहां पर उसको प्यास नहीं रहती, जहाँ ठंड लगती है वहां पे उसको प्यास लगती है, और जहाँ सूजन होता है वहां पे उसको दर्द नहीं होता, और ज्यादा जोर देने से उसको आराम मिलता है, ये सारा है। तो इतना ही हमें पता था, लेकिन जब हम माइंड मेथड में आ गए तो वहां पर भी हमें क्या लगता है, हाँ इग्नेशिया मतलब क्या, मॉरल्स, और दूसरी बात है कि बियर्स द सफरिंग विदाउट आउटरेज, ये डिल्यूजन मैरिज, जैसे कि 7 फेरों का बंधन है, ये कहीं कुछ नहीं बोलेगी, कॉवर्डाइस है, चुपचाप सहन करेगी, ज्वालामुखी की तरह होती है और रोएगी नहीं, कंट्रोल करेगी, बोलेगी नहीं, इतना। लेकिन जैसे जैसे हम सोचते हैं, आगे रेपर्टरी में पढ़ते हैं और फील लेते हैं, मेंटोर से सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कितना पॉलीक्रिस्ट है, मतलब उसके कौन कौन से क्रिस्ट, मतलब एक पहलू बोलते हैं ना, हीरो के पहलू होते हैं अलग अलग, तो इस टाइप का हमें पता चलता है। तो इग्नेशिया का भी ऐसा ही है, तो किसी एक एंगल से हमें नहीं सोचना है कि जैसे हाँ ये मिल गया, चलो ये इग्नेशिया, ये मिल गया, चलो नेट्रमूर, हमें डायरेक्ट रिमेडी पे जंप नहीं लेने, ये खतरे से खाली नहीं है। तो पहले फील लेना हमें सिखाया है, हमारे जो मेरी तो शुरुआत डॉक्टर लियाकत सर से हुई है, तो उन्होंने हमें पहले फील लेना सिखाया, रूब्रिक तो ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ के जैसे सिखाते हैं उस टाइप से हमें सिखाया है उन्होंने, और 20 वर्कशॉप हमने उनके किए हैं, उनके सीटीपी किए हैं उनके हमने, और 100 डेज 2 टाइम्स किए हैं, एडवांस कोर्स मैंने उनका 2 टाइम किया है, इतना अच्छा उन्होंने मतलब कोऑपरेशन करके उन्होंने हमें रूब्रिक क्या है जब पता नहीं था तब उन्होंने हमें ये सब तैयार किया, अभी भी सीख ही रहे हैं। तो ये उस टाइप इतनी हमें तकलीफ आ रही थी ये सब करने में, जबकि कुछ भी पता नहीं था, तो हमारी एंट्री ऐसे हुई थी। तो इस तरह हम सीखे कि डायरेक्ट जंप नहीं करनी है, सिर्फ हमें फील लेना है, रूब्रिक झट से ऐसे बनाने नहीं है, हम क्विक प्रिस्क्राइबर नहीं है, पहले फील करना है, फिर क्या क्या मिलता है उस रूब्रिक में, कौन कौन से मेडिसिन है ये हमें सीखने हैं, इसमें क्या है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, अगर 5 मेडिसिन है तो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मटेरिया मेडिका का रेफरेंस लेना है, तो ये सारा हमने उनसे सीखा है। तो चलो कि इग्नेशिया का पहले तो हमारे मन में क्या आता है कि इग्नेशिया एक माइल्ड लेडी होती है, लेडी नहीं सॉरी, हमें जेंडर बायस नहीं करना है, मेल भी हो सकता है, इग्नेशिया का पर्सन एक माइल्ड होता है, सिंपैथेटिक, दयालु होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सैड और ग्रीफ वाला, ऐसा नहीं, वो जेस्टिंग में भी है, विनोदी भी है, तो सबका हित चाहने वाला है, बेनेवोलेंस है, तो
लेकिन ओवरऑल नैतिकता के सिद्धांत को नहीं छोड़ेगा वो, मतलब समझौता नहीं करेगा वो। इसके साथ साथ वो, उसका ये फील रहता है कि अगर मैं दुनिया को प्यार दूं तो लोगों ने भी मुझे प्यार देना ही चाहिए। सही है ना? लेकिन वो इतना ये होता है ना, लोगों को मैंने दिया है तो मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन दुनिया की रीत ऐसे है ना, ये इग्नेशा को पता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं, हमने प्यार दिया तो वापस प्यार मिलेगा, इसीलिए उसका एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ से उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं कि मैंने प्यार दिया, मैंने उनसे आशा की, बदले में मुझे क्या मिला? मुझे निराशा मिली, मुझे प्यार नहीं, प्यार के बदले नफरत मिल गई। तो यहाँ से उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, यहाँ से उसके एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि एक सुप्त ज्वालामुखी जो होता है ना, उस टाइप का उसका रहता है। और अपना दुख दूसरों को न बताने वाला, जैसे कि हर काम में नैतिक जिम्मेदारी वो मानता है और कर्तव्य का अपना पालन वो कभी नहीं छोड़ता। इसके साथ छोटे मोटे छोटे छोटे काम को वो अधिक महत्व देता है, जैसे कि एंग्जाइटी सॉरी ट्रिपल सिम इम्पोर्टेंस वाला रूब्रिक है, तो वो यहाँ पे है। तो उसकी इच्छाएं तो इतनी बहुत होती है, डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स में है। जैसे कि वो बोलते हैं डॉक्टर के पास आने के बाद कि डॉक्टर साहब ऐसे मुझे दवा दो कि मैं इस बीमारी से ऐसे हो गई हूँ कि अगर मैं ऑफिस ना जाऊं ना तो मेरे कलीग जो है उनको मेरा काम करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरा काम वो करे। मतलब मैं किसी भी निर्भर नहीं रहना चाहती, तो आप मुझे ऐसी दवा दो कि उनको मेरा काम ना करना पड़े। तो कैरिड डिजायर तो भी कैरिड में भी हो वो है, और मुझे मेरा काम करना पड़े, मेरा काम मैं कर सकूं। और ये ब्रूडिंग में भी है कि ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, उसके चिंता में भी वो डूबी रहती है। ये है कि अब एंग्जायटी हेल्थ में कब जाती है, तो अभी मैंने बताया ना कि वो डॉक्टर के पास आने पर बोलेगी कि मुझे ऐसी दवा दो कि मैं किसी पर निर्भर ना रहूं, इसीलिए उसको एंग्जायटी हेल्थ रहती है। और नैतिकता की ये है कि मेरा काम दूसरों को ना करना पड़े। इसके साथ वो केयरफुल भी है, मतलब परहेज करेगी, कॉशियस भी रहेगी, जैसे कि सतर्क रहेगी। इसके साथ तो फियर इनवैलिडिटी में है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक बार वो बीमार पड़ गई, सो गई थोड़ा सा, तो वो बोलेगी कि ऐसा है कि मुझे उसे ऐसा लगता है कि मेरे महत्ता, मेरा जो इम्पोर्टेंस है, मेरी महत्ता खो जाने का डर है मुझे। मतलब क्या कि इस घर में जब मैं आई ना तो क्या नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था या फूटी कौड़ी भी नहीं थी इस घर में, लेकिन अब मैं इतना कुछ करती हूँ, मुझे इतना थोड़ी सी तकलीफ हो गई कि मैं बेकार लगने लगी आपको। मतलब बेकार तो नहीं हो गई हूँ ना, ऐसा उसको फील लगता है कि वो अपने आप को बेकार नहीं मानती, निरर्थक मैं ना बनूं, ऐसा वो सोचती है। और एक एक बार मतलब एक स्टाइल उसका ऐसा देखे, वो एफेक्टेशन में भी है, जैसे कि दिखावा करके लोगों पर प्रभाव भी डालना चाहती है। और वो हमेशा उपयोगी बनना चाहती है, कि फ्रूटफुलनेस बोलते हैं ना हम, वो भी चाहती है। हर समय वो हिम्मत से काम भी लेती है, और परेशानी से अगर पराजित होकर मतलब सब कुछ छोड़कर वो बैठ जाती है। तो अभी संजीवनी मैम ने बताया ना कि डिसकंसर्टेड, तो वो स्टेट भी है उसका। और उसका ऐसा है ना कि उसके कल्पना ही कुछ और है, मतलब इमोशनल ज्यादा है वो, वास्तव तो कुछ और होते हैं और इसके इमोशन को ज्यादा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फीमेल को लॉजिक मत दो, ऐसा ही है वो इसका। अगर इसके हस्बैंड ने बोला होता ना कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बॉस ने मुझे बिठा के रखा था, बॉस ने मुझे बहुत काम दिया था, वो बोले कि मुझे ये क्या करना है, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि तुम घर पर आना चाहिए, मुझे लॉजिक मत दो, मैं इमोशन वाली हूँ, मुझे बाकी सब कुछ भी पता नहीं है। तो इमोशन का इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लॉजिक मत देना। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं उसके। और रियलिटी मतलब वास्तवता जो होती है ना, उससे जब उसका मुकाबला होता है ना, तो वहां से उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दुनिया के रीति रिवाज धीरे धीरे उसको समझ में आते हैं, जहाँ प्यार के बदले प्यार हर बार नहीं मिलेगा, ये जब समझती है तो वहां से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं उसके। तो इस टाइप के है कि वो हिस्टेरिया में भी चली जाती है।
उसका माइंड का ये जो लेवल है ना, उसके कंप्लेंट्स यहाँ तक जाते हैं कि उसके फॉर एग्जांपल टांगों में उसके स्पाजम आने लगते हैं, मतलब फिजिकली भी वो उसको क्रैम्प्स आने लगते हैं, स्पाजम, हिस्टेरिया, मतलब जोर से हंसना, जोर से रोना, ये टाइप, फेंटिंग कभी होना, और कभी कभी एक ही काम वो ऐसे करते रहने की धुन उस पर सवार जाती है, वो भी है। और उसको इस बात का आघात इतना असर होता है कि मतलब दुख हमेशा उसको नया लगता है, 6 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, हमेशा उसका दुख उसको ऐसे नया ताजा बना रहता है, वो जख्म जो है ना हमेशा ताजी बनी रहती है। तो मन में सिर्फ उसी बात पे वो सोचती है, सो ब्रूडिंग में भी है, और जहां पे उसको स्वाभिमान को धक्का लगता है वहां से भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, मतलब झगड़े से उसको एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, कुछ प्लेस, पहले वाला प्लेस है तो वो खो जाने से भी, मतलब मेटाफोरिकली भी हम ले सकते हैं, वहां से भी कंप्लेंट स्टार्ट होते हैं, उसके पैसे को नुकसान हो गया तो भी, भयभीत हो गई तो भी, डर की वजह से भी, बुरा समाचार सुनने पर भी, तकलीफ को बार बार वो दोहराती रहती है, और कष्टकर होना मतलब लैमेंटिंग, कंप्लेनिंग में भी है, तकलीफ को बार बार दोहराना मतलब कंप्लेनिंग, और रड़गाना बोलते हैं ना, कष्टकर होना वो लैमेंटिंग है। तो ये सारा वो बिना शिकायत सहती है एक स्टेट पे, इसलिए हम बोलते हैं कि माइल्डनेस कंप्लेनिंग बियर सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट, चुपचाप सहन करती है बिकॉज मॉरल्स और सोशल सोशल पोजिशन कंसर्न अबाउट रहता है। एक है कि वो तब तक सहन करती है जब तक घर में उसका इंसल्ट होता है, तब तक वो सहन करेगी, लेकिन 4 लोगों के सामने अगर कोई उसका इंसल्ट करने लगा ना, तो उसके सहनशीलता का अंत होता है, वो मॉरल्स का भी कुछ नहीं, तब तो वो अपना जो कंट्रोल है वो छोड़ देगी। ऐसे बीमारी की जड़ वो खुद है, ऐसा वो अभी इस केस में भी उसने क्या कहा कि मैं ही क्या बोली वो अभी, मेरा ही कुछ तो ऐसा बोली कि, तो बीमारी की जड़ खुद है, मतलब पूर्व मेरे कर्म भोग है, ऐसे भी मतलब रिप्रोचेस हिमसेल्फ है। तो यहाँ पे तो बाकी रेमेडीज को छोड़ना ही पड़ेगा हमें। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में है, जैसे कि पेन मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल पेन है, हम गाने सुनते हैं कि दर्दे दिल दर्दे दर्दे जिगर, वो क्या वहां उनको पेन होता है क्या, वो तो इमोशनल होता है, यहाँ पर भी उसको पेन हो रहे हैं इसीलिए इरिटेबिलिटी हो रहा है, किसी के साथ बोलती नहीं है, सिर्फ सफर कर रही है, मतलब किसी के साथ बातचीत नहीं, एक बार बोलती तो हो जाता लेकिन वो भी नहीं बोली वो। और हमें फिजिकल्स में ऐसे मिल जाता है कि गहरी सांस वो लेती है, जैसे साय बोलते हैं, बाकी सारे मेडिसिन में भी है, लेकिन अगर ये भी हमें उसमें दिखाई देता है, कई डॉक्टर वो बोलते हैं कि कई डॉक्टर उनके पास मैं जा चुकी हूँ, वो तो साबित हो गए हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, हाँ उनका तो मैंने ले ले लिया है, उन्होंने तो दिखा दिया अपना रिजल्ट का सारा कुछ। तो यदि आपके पास कोई ऐसी दवा हो कि जो मेरा ये रोग ठीक कर सके, आपके पास हो तो हमेशा के लिए ये बीमारी मेरा साथ छोड़े, ऐसा कुछ हो तो मुझे दो, मतलब श्रीकिंग में भी है, श्रीकिंग हेल्प में, सेंसोरियस में, और उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये बीमारी जो है वो ठीक, बीमारी हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ दे, मतलब मूड रिपल्सिव बोलेंगे हम, रिपेल करना है उसको। तो इससे है कि इसमें अभी बोला ना दत्तात्रेय सर ने कि वो कॉवर्टाइज की वजह से नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल सच है कि कायरता की वजह से वो नहीं बोल रहे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन दूसरी स्टेट में ऐसा है कि जिन्होंने उसके नाम में दम कर दिया है ना, उसको उसका बदला भी लेना चाहते हैं वो। एक स्टेट उसकी ये भी आते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आज तक तो इसने ऐसा रूप कभी दिखाया नहीं, आज ये क्या अचानक इसको हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉवर्डाइस और बियर सफरिंग इसमें नहीं है, इससे आगे की स्टेट भी है। उसको ना ऐसा लगता है कि अंडरटेक मेनी थिंग्स, लेकिन परसिवरिंग नथिंग में भी है, और अंडरटेक्स लैक विल पावर टू अंडरटेक एनी, मतलब सभी काम पूरा कर देना चाहती है लेकिन वो ऐसा परसिवरेंस नहीं कर पाती, हार कर बैठ जाती है, और
परसिवरेंस नहीं होता कभी कभी, मतलब परेशानी है उसको और वो समझते हैं कि मैं किसको कहूँ और समझने वाला है कौन मेरा। मतलब मैं आई थी तो घर में क्या फूटी कौड़ी नहीं थी, अब मेरा ये बीमारी है मुझे कौन समझ रहा है। मतलब फेनिंग सिक में है, फेनिंग सिक में वो क्या करती है, कंप्लेन है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लोगों को समझना चाहिए मेरा दुख, तो वो क्या करेगी, पड़े रहेगी, बातचीत बंद कर देगी, तो इस टाइप का उसका फेनिंग सिक रहेगा। जैसे कि हेडेक है तो वो माथे को पट्टी बांध के बैठेगी, मुझे पता है मुझे पेन है लेकिन लोगों को कैसे समझेगा। तो पैनिक सिक में है और तकलीफ से परेशान है तो किसको कहे, मेरा कौन है यहाँ समझने वाला, ऐसा उसको फील होता है। तो पति बच्चे जो आएंगे तो ऊपर ऊपर से ही बोलेंगे ना, अगर बाहर का कोई आ गया तो दूर से कहेगा मेडिसिन ले लिया अपने, अच्छा है ना आप, तो उसको वो भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो उसको क्या लगता है कि एक्चुअल मुझे क्या चाहिए ये आपने समझना चाहिए, ऊपर ऊपर से तो क्या कोई भी पूछ लेगा, तो उनको क्यों नहीं समझ में आता मुझे क्यों पूछते हैं, खुद भी कुछ समझे मेरे अंदर क्या चल रहा है। और वैसे भी बच्चे तो मेरे ही हैं और बस ये समझकर वो सहते रहती है, और चिड़चिड़ाहट तो है ही उसकी और शांत होने पर भी वो चिंताएं करती रहती है, तो इस टाइप का भी है। और उसको ऐसा लगता है कि बाहर के ये जो लोग हैं ना सिर्फ मजा लेने के लिए, हंसने के लिए मेरे से बात करते हैं कि ऊपर ऊपर से पूछते हैं। सो डिल्यूजन मॉक एंड लाफ एट में भी है, और इसके लिए वो पूछते हैं, वो बोलते कि अभी करेंगे मुझे मदद लेकिन 10 बार बोल के दिखाएंगे, इसीलिए अच्छी हूँ कि मैं अकेले जाकर अंदर रो मैं, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे ऊपर ऊपर लोगों ने पूछना, तो बेहतर है कि मैं ठीक है कोई मत आओ मेरे पास। तो भलाई की बात भी उसे अच्छी नहीं लगती, प्यार की लैंग्वेज भी उसको अब अच्छी नहीं लगने लगी, जैसे कि भलाई की बात अच्छी नहीं लगना, ऑफेंडेड इजिली में बे है, और ये है कि अभी करेंगे फिर कहेंगे कि मैंने इतना किया उतना किया, बेस्ट है कि आप मत करो। तो इसके वो बोलते हैं इसका लैमेंटिंग करेगी कि कोई सामने है तो बोले किसको पड़ी है मेरी, सब मस्ती में है ऐसे, मतलब फेनिंग सिक भी है, वो चाहती है कि वो मदद करे लेकिन वो इस टाइप का बात करेगी। और ऐसा है कि फेनिंग सिक तो अभी है कि बातचीत करना बंद कर देती है, बातें बंद कर देती है, पड़े रहे खाना बंद करेगी, ये बहाना जो है ना बोलते हैं हम उस टाइप का। और इसके साथ वो बोलेगी कि एक यहाँ पे मुझे केस याद आ रहा है कि एक हस्बैंड था, उसको उसने अपनी वाइफ के लिए एक डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए थे और चलो जरा अर्जेंट है मेरी वाइफ को दिखाना है आपसे, तो आपकी विजिट फी भी मैं दे दूंगा, ऐसा करके वो घर आ गए थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि उस बेडरूम में वो थी ही नहीं, तो डॉक्टर बोले कि क्या कहाँ पे है आपका पेशेंट, तो वो किचन में काम कर रही थी, तो वहां से वो झट से बाहर आ गई और बोली कि अब पता चला क्या, अब याद, अब सूझबूझ आ गई क्या आपको, इतने दिन से मैं आपको कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तब नहीं समझ में आया, आज पता चला, मुझे नहीं जा दिखाना, ये डॉक्टर को भेज दो ऐसा वो बोलते। डॉक्टर बोले कि बाबा मुझे फी भी मत दो, मैं जाता हूँ और मेरे पास से आकर तुम मेडिसिन लेके जाना, तो उन्होंने उसको इग्नेशिया दे दिया था। मतलब प्यार के लैंग्वेज भी उसको अब अच्छी नहीं लगने लगी, मतलब इतना वो स्टेट पे वो जाने लगी है। तो वो तब तक सहन करेगी, मैंने कहा ना कि जब तक घर में उसको इंसल्ट हो रहा है, पोजीशन उसकी सामने की कौन सी भी पोजीशन हो, चाहे सासू माँ हो और कुछ बड़ा हो, घर में है तो ठीक है लेकिन सोशल पोजीशन जब उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंसल्ट हो रहा है बाहर, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये उसके सहनशीलता की हदें पार हो रही है, तो वो विरोध करने लगेगी। सो इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में वो है, न्याय के बाजू वो कभी नहीं छोड़ेगी और मॉरल्स को तो कभी नहीं छोड़ेगी। तो उसकी जो दबी भावना है, उसका अब्यूज हो रहा हो, तो कोई पेशेंट हमें ऐसे दिखते हैं कुछ लेडीज की, नारी मुक्ति का आंदोलन करने वाली लेडीज जो है, जो उनमें उन पर अब्यूज होता है, दबी भावनाएं होती है उनके, हमने एक ग्रुप पे देखा भी था,
रेखा का वो जब फूल बने अंगारा ऐसा, तो फूल जैसा अंगारा कैसे बन जाता है? मतलब ये इतना मॉरल, इतना माइल्ड, इतना अफेक्शनेट बेनेवोलेंस, एकदम अंगारा, इग्नाइटेड, इग्नाइट कैसे बन गई इग्नेशिया? तो यहाँ पे उसका ये उसका एलिमेंट है कि एक ने उसको धोखा दिया है ना, पूरी वो मेन जो है ना उनका हेट्रेड है, वुमन है वाइस वर्सा, तो एवर्जन वुमन टू हेट्रेड मेन ऑफ, पूरा मेन है ना, मेन विल बी मेल मेन, तो इस टाइप का उसका थिंकिंग होगा। और जैसे कि उसको ध्यान में आता है क्विक टू एक्ट में भी है, नारी मुक्ति का आंदोलन करेगी वो, तो ये है कि एकदम माइल्ड लेडी, एक माइल्ड पर्सन इग्नेशिया एकदम रूखा बन जाता है। तो इस किसी एक ने धोखा दे दिया तो अत्याचार करने वाले से उसको घृणा पैदा होती है मन में, उसका एकदम रूखा स्वभाव हो जाता है, जहां तक हो सके छुपाने की कोशिश करती है, समस्या किसी को नहीं कहती है, मतलब वो हाइडिंग में भी है, सिक्रेटिव में भी है। हाइडिंग मतलब जहां तक छुपाने की कोशिश करेगी उतना छिपाएगी, और सिक्रेटिव समस्या को किसी को नहीं कहेगी, और उसको बेइज्जती का मतलब इंसल्ट होने का बहुत डर लगता है। सो वहां होने का डर, मतलब डर से वो कहीं जाती भी नहीं है। सो मन की मुराद अगर उसकी पूरी ना हो, पूर्व पास में कोई दुखद घटना हो, कहीं बेइज्जती हुई हो, प्रिय का अलगाव हुआ हो, डेथ हुई हो, तो पैसों का नुकसान हुआ हो, सब कुछ खो दिया, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ बाकी रह नहीं गया, बर्बाद हो गया, तो वहां पे भी हमें डिल्यूजन रूइन ही इसका फील आता है। तो यहाँ पर भी उसका एक स्टेट हमें देखने को मिलता है कि हर अब तो ऐसा हो गया कि अब हर चीज से नफरत करने लगी, मतलब इस लेवल पे जाते कि उसका मानसिक संतुलन भी खो जाता है कभी कभी, आजू बाजू क्या हो रहा है इसका भी उसको पता नहीं चलता, और शांत पड़े रहती है, अंदर से टूट जाती है, और धीमा धीमा रोना, जैसे कि हम बोलते हैं ना सिसकना, इसलिए वीपिंग विंपरिंग में भी है, बहुत बार हमें ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं एक्चुअली विंपरिंग के, तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर से कुछ ना बोले, मतलब ऊपर से मेरा दुख ना पूछे, मुझे अंदर से समझे, और मैं क्यों बताऊं आपको, कभी तो समझे मुझे, तो मन को ठेस पहुंची हो, हर्ट हुई हो, तो दिल दुखाने वाले मेरे पास आए ही ना, अब मुझे नहीं सहना है, मतलब वो फियर मुझ में है कि अब मुझे हर्ट करने वाला मेरे पास भी ना आए। एक बार हुआ है तो फियर ऑफ हर्ट ऑफ बीइंग इमोशनली, इमोशनली मुझे हर्ट नहीं होना है अभी, तो जीवन की सच्चाई जो होती है ना, अब उसे पता चलने लगे, शुरू में इतना प्यार देती है, मुझे भी वैसा मिले, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है ना, सो दुनिया की सच्चाई उसको पता चलने लगे, वास्तविकता का उसको ज्ञान आने लगा, और तब क्या है, जब वो म्यूजिक सुनने वाली अब म्यूजिक से नफरत करने लगी, उसको पता चलने लगा कि इसमें कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ अलग है, इससे क्या होने वाला है, ये मेटाफोरिकली भी है। सो एक जगह उसको म्यूजिक से सॉरी म्यूजिक से म्यूजिक उसको अच्छा लगता था, तो अब उसका एवर्जन होने लगा, अम्यूजमेंट तो दूर की ही बात रह गई है। सो इसमें भी है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं म्यूजिक डिजायर में थी तो म्यूजिक एग्रीवेट करने लगा, और विपिंग म्यूजिक प्रॉम में गई वो, सो उसको ऐसा लगने लगा कि वो सोचती है कि मैंने क्या समझा था, ये जो शादी है वो 7 जन्म का बंधन है, मतलब मुझे मॉरली रहना चाहिए, मुझे माइल्ड रहना चाहिए, प्यार दिया मैंने इतना, तो अब वो सोचने लगी है कि उसका माइंड का स्टेट भी बदलने लगा है, उसका गुस्सा होने लगी, प्यार के बदले वो नफरत देने लगी है, प्रिय जो लगने लगा था उसको अप्रिय वो हो गया, उसका सलाह उसको अच्छी नहीं लगने लगी, कुछ प्यार से भी बोले तो भी उसकी लैंग्वेज उसको अच्छी नहीं लगने लगी, तो प्रेम के बदले उसको वो दूसरों को गुस्सा देने लगी है, तो उसको एहसास है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई ये सब जो है ना वो मेरे पास मुझसे कम तो नहीं हो रहे हैं, मतलब मैंने जो अपने आप को वादा किया था, जो करार किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, वो तो मैं तोड़ तो नहीं रही हूँ ना, तो डिलूजन वो ब्रोकन इज, इसमें भी इसमें ही इग्निशिया है। तो अब जो एफेक्टेशन में थी, अब उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको अब लगने लगा है कि मैं
मतलब अफेक्शनेट थी, अब वो कठोर बन गए। दिखावा तो दूर का है, दिखावा तो नहीं चाहिए, म्यूजिक भी नहीं चाहिए, ये वास्तविकता नहीं है, अलग है, ये रियलिटी कुछ और है, मैं कुछ और कर रही हूँ। तो जो प्रेम का कलर था, जो सहयोग का कलर था, सुकून का कलर व्हाइट होता है, तो वो अब पहले डिजायर था, अब उसका एवर्जन होने लगा, ये मेटाफोर है। तो ब्लैक पसंद रहे, ब्लैक कभी डिजायर फॉर ब्लैक में है, तो नफरत, अलगाव, ये उसको डिजायर होने लगे फिर। तो इस टाइप का जो है, तो इतना सोच सोच के इतने आघात होते हैं कि उसके हार्मोन्स में भी इसका इफेक्ट होकर जो फीमेल्स होते हैं, जो मेल टाइप, उसके लिप पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, मतलब इतना वो उस पे ब्रूडिंग करते हैं। सो जनरल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन वुमन मैस्कुलिन, ये उसका लास हो जाता है। तो ये स्टेट है, ये पॉलीक्रिस्ट इग्नेशिया है। मैं तो पहले सोचती थी कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन जब मैंने वीसी का प्लान बनाया कि मुझे करना है, और जब उसके शेड्स मैंने रेपर्टरी में से देखे, तब मुझे सच्चा पता चल गया कि एक्चुअली इग्नेशिया क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ ऐसा वीसी करने लगते हैं, तब बहुत कुछ सीखते हैं। पहले मैं बहुत ऐसे ऑकवर्ड थी, नहीं करना है मुझसे, नहीं होगा ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा है कि अब मुझे करना ही है, तो मैं ये करने लगी। और थैंक्स टू डॉक्टर परवीन सर कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दिया, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे दे दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ग्रेटिट्यूड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ग्रेटिट्यूड टू IHF फैमिली मेंबर्स, IHF मेंटोर्स, थैंक्स टू फॉर लिसनिंग मी, बियरिंग मी, थैंक्स सो मच। मैम, थैंक यू बियर है फुजादी, तो फिर भी नाइस टच ऑन। इमोशनली जो है उसमें चाइना और कार्सिनोसिन दो ही मेडिसिन है। क्या सर? फियर हर्ट और बीइंग इमोशनली में दो मेडिसिन है, कार्सिनोसिन और चाइना। अब नए मैं आए हैं आपको भेज इन्वेस्टर। देंगे, ओके मैं भेज दूंगी आपको। ओके। अच्छा, हेलो मैम, हाँ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैम। आई हैव वन डाउट कि उसमें एक है डिल्यूजन वॉक वॉकिंग कैन नॉट, उसमें इग्निशिया है मैम, उसको आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। डिल्यूजन वॉक वॉकिंग कैन नॉट, बापरे, मेरे लिए भी नया है। परवीन सर आप एक्सप्लेन करेंगे? या फिर मैं ग्रुप पे सेंड करूंगी, वो एक्सप्लेनेशन करूंगी। थैंक यू मैम। क्या रुक था मैम? डिल्यूजन वॉक वॉकिंग कैन नॉट, कैनॉट, डिलीजन वॉक, एक बार रूब्रिक का ये भेजेंगे। सर डिल्यूजन वॉक वॉकिंग कैन नॉट, मेरे को भी नहीं मिल पांच रहा है। रेमेडी है सर इसमें। डिल्यूजन वॉकिंग वॉकिंग क्या? कर यही अच्छा डिल्यूजन कैन नॉट, वॉकिंग, अच्छा डिल्यूजन यस वॉकिंग, सर, वॉक नॉट कॉटन वॉकिंग। ही वॉक ऑन। जी, अच्छा इसमें डिल्यूजन वॉक कैन नॉट, ही कैन नॉट वॉक, जो इसका मीनिंग जो यही होता है ना वॉकिंग कैन नॉट में, कि जैसे आप कहीं जाते हो, जाना होता है कहीं, किसी उद्देश्य के लिए जाना होता है ना, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, नाउ यू कैन नॉट रीच, आप चल नहीं सकते ना, तो इसकी पोजीशन ऐसी होती है ना इग्निया है, कि जो मुझे समझ में आता है, और जट इट्स इट विल बी स्पेकुलेशन विदाउट द केस, जो केस मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंडिंग जो इसमें डेवलप कर सकते हैं कि इसमें जो भी रेमेडीज है उसको लगता है कि अब मेरे पास चलने की शक्ति नहीं बची है, नाउ आई कैन नॉट मूव, तो कैन नॉट, जैसे मान लीजिए स्ट्रामोनियम का जैसे सेट आता है, जब स्ट्रामोनियम बहुत ज्यादा भयंकर डर जाता है तो वो उसकी हिम्मत नहीं होती कि भाग सके, वो स्टैचू जैसा बन जाता है। तो इग्निशिया का भी है कि जब इमोशन के कारण से हो या किसी भी कारण से हो बहुत ज्यादा, जब या फिर फैमिली के कारण से हो, तो कई बार वो कुछ स्टैंड लेना भी चाहती है तो शायद नहीं ले सकती हो,
जैसे होता है ना, जैसे बोलती है कि ग्निशा मैं चाहूं तो ठीक कर दूं, लेकिन मॉरल उसका सामने आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मॉरल ग्राउंड जहां सामने आता है कि यदि हम एक को हर्ट करने जाएंगे तो कई कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे, उसको सोच के वो सहती रहती है, चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन वॉक नहीं कर सकती, छोड़ के भी नहीं जा सकती और फिर मूव कोई एक स्टैंड नहीं ले सकती। इस तरह का एक फील ग्निशा के लिए हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। और स्ट्रामोनियम के लिए जो रूब्रिक आता है डिलिजन स्टैचू, तो वह स्टैचू जैसा हो जाता है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता, कैनॉट वॉक में जाना चाहिए। और बाकी मेडिसिन का तो देखना पड़ेगा। और क्या मेडिसिन है इसमें, और क्या है? एपिस हेलेबोरस है और इग्निशिया स्ट्रामोनियम और फिफ्थ पता नहीं सर, चेक कर। हेलेबोरस का तो जो होता है शायद पेनलेस, इसकी वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, तो फिजिकल ग्राउंड पर तो ये वॉकिंग कैनॉट हेलेबोरस की बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। मेंटली इसको कैसे स्लोनेस हो जाता है सर? हाँ वो स्लोनेस हो जाता है हेलेबोरस में, बहुत स्लोनेस आता है, तो उसकी वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो लटक जाता है, प्लस पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट में भी है। लेकिन जब वीकनेस बहुत ज्यादा होती है ना टाइफाइड में, हम लोग कई बार देते हैं जब एकदम लटक जाता है, मैंने उसके जबड़े भी लटक जाते हैं हाँ करके, उसको भी मूव नहीं कर सकता, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हेलेबोरस का बाकी फील माइंड से कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम। और न्यूमोकॉक्सिन का भी मुझे इसको देखना पड़ेगा। स्ट्रामोनियम का जो मुझे लगता है और इग्निशिया का मुझे ये सेट लगता है मेरे को कि ऐसे आना चाहिए, और यदि किसी का एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर करे तो ये रूब्रिक थोड़ा सा अच्छा डेवलप हो जाएगा। या और किसी को कोई फील समझ में आ रहा हो ना विद रूब्रिक, मैं कुछ बोलूं सर इसमें? कुछ नहीं, पूरा बोलिए, आप बोलते हैं तो बहुत कुछ खुल जाता है। नहीं ये जैसे कि इग्निशिया क्या होता है कि सबके लिए करती है, इतना करती है क्योंकि वो मोरल में है, इतना करते करते कह देता ना कि ये कोई लोग हमको अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो यार इतना करने के बाद में भी हमारा कोई, तो इसके आगे मुझे नहीं करना, कहते ना कि जब इतने दिन से मैं बीमार थी, इतना थी, तुमको समझना चाहिए, ये अच्छी दिक्कत है, चलना चाहिए, अब मेरे से आगे नहीं होगा। जैसे कहते अब खाना वाना बना तो रही थी लेकिन अब मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं भी वहां से भी ऐसे इसको लिया जा सकता है कि वॉक नॉट, क्योंकि अभी तक वॉकिंग कर रही थी, चला रही थी। चौहान जी फिर से एक बार बोलिए ना जी, फिर से थोड़ा सा हाँ। कि ये फैमिली के लिए इतना करती ना सबके लिए, क्योंकि वो मोरल में है, करना मुझे ही है ना, हाँ। ये करते 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 थक जाती है कि इतना करने के बाद भी मेरे को इन लोग समझ नहीं रहे है ना, और समझने के, और मैं इतना सफरिंग कर रहा हूँ इन्हीं लोग के वजह से, और देखिए ये क्या हो रहा है कि अब शरीर एग्जॉस्ट हो गया है, अब इसके आगे मुझसे नहीं होगा, अब लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, अब मेरे में वो ताकत ही नहीं रह गया कि आगे इसके आगे मैं चल सकती हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं भी यहाँ से ये रूब्रिक को लिया जा सकता है कि डिल्यूजन वॉकिंग कैनॉट वॉक, ऐसे में कि अब इसके आगे नहीं चल सकती, इसके आगे नहीं कर सकती, ये मुझे अभी तक समझ नहीं पाया। चौहान जी मैं एक बहुत अच्छा सेट देता हूँ इसमें, देखिए क्या होता है ना, जैसे मेरे पास अब समझ में आ रहा है उसको इग्निशिया क्यों लगा, यहाँ से रूब्रिक कंफर्म हो रही है, और ये ध्यान में नजर में कभी आई नहीं थी ये रूब्रिक। एक तो बाहर बोलते बोल रहे हैं बिट्टो, एक तो बोलते बोलो ना ना बोलते बोलो, 5 मिनट बोलते बोलो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी एंड शी वॉज वेरी लार्ड, वो क्या बोलते हैं एक्चुरिश बोल के कुछ होता है जो बहुत सुनते हैं, जो बहुत कम लोग इसमें पास भी हो पाते हैं, और बहुत हाई प्रोफाइल जॉब मिलता है इसमें, करोड़ों की मतलब जॉब लगती है यदि कोई कर ले। तो लव मैरिज किया था उसने, दिल्ली में लव मैरिज किया था, उसके बाद यहाँ पर आ गई, और उसकी चूंकि वो यहाँ के थे तो किसी कारण से उसके हस्बैंड को भी यहाँ आना पड़ा, तो उसे जॉब छोड़ना पड़ा। यहाँ से भी उसके पास जॉब करने के ऑप्शन थे, तो मैंने पूछा कि आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं, तो उसने जो बोला था कि डॉक्टर साहब अभी परिस्थितियां ऐसी है ना कि सास की तबीयत खराब रहती है, ससुर की भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं चाह के भी नहीं कर सकती, करना तो चाहती हूं लेकिन
एज ए जो है ना एक बहू हूँ घर की, तो मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि इन लोगों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी पहले है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, तो ये सब जब हो जाएगा तब मैं करूंगी, लेकिन अभी तो मैं चाह के भी नहीं कर सकती। यानी उसकी इच्छा तो है फिर से जॉब में जाने की, क्योंकि दैट वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब और उसमें करोड़ों मिलते हैं, महीने के करोड़ों मिलते हैं, शायद नहीं साल के करोड़ों मिलते हैं, सॉरी मैंने शुरुआती होती है 70-80 लाख से पैकेज ही शुरू होता है उसका। जी सर, तो उस जॉब को उसने छोड़ा है, उस जॉब को छोड़ा है बिकॉज कि उसकी मॉरल ड्यूटी है अपनी फैमिली के प्रति पहले है, उसके बाद उसका काम करना है। तो यहां मुझे लगता है उस केस में ये रूब्रिक लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम फील वैसे ही है। दिस इज सेड जो डेल्यूजन वॉक कैन नॉट बिकॉज ऑफ द मॉरल ड्यूटी, और स्टर्मोनियम तो डर से स्टैचू हो जाता है, स्टैचू भागेगा कहां। जी सर हाथ पांव जम गए, और बाकी तीन मेडिसिन है, जब तक तीनों का डिकोड नहीं होता है, पूजा मैम छोड़ना मत किसी को, सबको पहले बताओ, एक ना एक बताना पड़ेगा, दो मैंने कर दिए, बाकी का भी सोचिए। चौहान जी आप बहुत अच्छा सोचते हैं, तब तक मैं सुन रहा हूँ, एक पेशेंट देख लो, कुछ मेरे दिमाग में आता है तो बताता हूँ, यदि आपको देर नहीं हो रही हो तो, क्योंकि आप काफी देर से लगी हुई है, 6 बजे से लगी हुई है, यदि हो तो फिर एक बार देखते हैं इसको डिकोड करते हैं। प्रविंदा है कि नहीं, शायद नहीं है। एपिस में वो होता है ना सर, वो मर्थ वाली होती है और इतना वर्कहोलिक होती है, कहा जाता है ना, लेकिन एक समय में ये भी आता ना कि मर्थ हिलेरिटी रिचेड सी ऐसे करके उसको कनेक्ट कैसे करें, वो कनेक्शन बिठाना पड़ेगा ना इसके साथ। हाँ जी जी, देखिए सर वो क्या होता ना कि सबके सामने अच्छा दिखाते कि मैं ठीक हूँ, जैसे कहते ना कि एपीएस खासकर विधवाओं के लिए, आज भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था उसमें, तो वो उसके लिए है। तो देखिए वो क्या होता है, सबके सामने अपने आप को अच्छा पेश करती है कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर में दिक्कत होता है, लेकिन अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, तो फिर वहां से उसको जोड़ना पड़ेगा कि अब इसके आगे नहीं, अब इसके आगे मैं ये चीज नहीं दिखा सकता कि मैं अच्छा ही हूँ, अब तो सबको जान ही गया है कि मेरी स्थिति अब दयनीय हो गई, बेकार हो गई है ना, रिचेड हो गई, इसके आगे मैं और नहीं ये सब कर सकता, तो फिर वहां से मैं भी इसको उठाया जा सकता है कि ये डिलीजन वॉकिंग कनॉट वॉक ही, क्योंकि वो भी सबके लिए बहुत अच्छा करती है, जेलसी में है कि उससे आगे मैं रहूं, मतलब ये करने वाली, तो मे भी उसको यदि ट्यूनिंग को जोड़ा जाएगा ना सर, तब जाके वहां पर ये फिट हो जाएगा कि अब सबको जान भी गया है, अब मैं कब तक ये चीज दिखाऊंगा सबको कि मैं खुश हूँ, लेकिन है तो नहीं, पति भी मर गया है, सब फैमिली के लिए मुझे भी करना है, लेकिन अब आगे इससे नहीं हो सकता क्योंकि मेरी स्थिति अब दयनीय हो गई, सब कुछ देख रहे हैं मेरी स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि उसको कैंसर भी होता है, तो कहते हैं कि दूसरे लोग सेंसिटिव, कहते ना कि ये दूसरे लोग मेरे वजह से तकलीफ ना हो, इसलिए वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब सारा लोग जान ही गए तो अब इसके आगे तो अब नहीं दिखा सकती ना, तो यहाँ पर फिर डिल्यूजन वॉकिंग कैनोट में वो लगेगा कि इसके आगे तो मुझे अब दिखाना, क्योंकि सब कुछ तो सब लोग जान ही गए हैं, तो मैं भी रूब्रिक को वहां पर जोड़ सकते हैं। तो ये एपिसोड हो गया, बाकी ये जो रियर वाले हैं सर, तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्या है, कैसे जोड़ा जा सकता है। जी deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Ranjit Chauhan sir. बहुत अच्छे से आपने ये अपना अंडरस्टैंडिंग इस रूब्रिक को लेके शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। पूजा मैम बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आज का, तो आपने ऑलरेडी बोला भी है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि आपको थोड़ा नर्वसनेस था बीसी को लेकर, और अभी बीसी हो गया है, तो प्लीज ये हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ पहले आप क्या सोच रहे थे, अभी होने के बाद अभी कैसा लग रहा है आपको। हाँ
शुरू में जब सर ने मुझे मतलब मैं एक 1 ईयर हो गया IHF में मैंने ज्वाइन किए हुए, और इससे पहले किया था मैंने एक VC, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मतलब मुझे मतलब वो मैं टालने लगे कि ना हो तो अच्छा है, मैं प्रेजेंट भी नहीं करूँगी ऐसा. लेकिन सर मुझे बार बार बोल रहे थे कि आपका भी होना चाहिए केस. मेरे बाकी फ्रेंड जैसे कि माधुरी मैम, संजीवनी मैम भी बोल रही थी कि आपका क्यों नहीं केस होता, आप तो मतलब अच्छी तरह से फील लेती है, लेकिन आपकी केस क्यों नहीं, हमें आपकी केस भी चाहिए. तो मैं सिर्फ उनको हाँ 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 बोलती थी, सर भी बोलते थे तो इस मंथ में आप करेंगे क्या, ऐसा बोला था. तो उन्होंने मुझे सिर्फ 3 डेट दिए थे, 28, 29, 30 ऐसा करके. तो मैंने सिर्फ ओके करके बात को टाल दिया था, लेकिन ऐसा हो गया कि 27 को उन्होंने बिल्कुल याद दिला ही दिया कि देखो ये 3 डेट बचे हैं. तो मैंने सोचा कि अब लास्ट की जो है वो लेंगे. बाद में तो कहीं भाग जाने की मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, तो चलो मैंने ये कर दिया. और ये केस था मतलब एक कोई केस था कि उन्होंने मुझे बताया था कि अप्रैल में मोहंती सर का जो ये है बर्थडे है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होगा. तो मैंने हाँ बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे मैं करने वाली थी, मैं अपने मन को समझाती रही कि हाँ मुझे करना है, अब प्रिपेयर होना है. लेकिन अचानक वो 27 को जो आ गया, तो उससे तो मैं ऐसे हिल गई कि आप क्या करें क्या करें. तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आप क्या कौन सी प्रेजेंट करें. तो पहले मैंने एक तय किया कि हाँ ये केस हम शेयर करेंगे, और बाद में ऐसे थोड़ा डीप मैं सोचने लगी. तो ऐसा करते करते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने बोल दिया था कि मुझे तो बहुत डर लगता है. तो सर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं मैं हूँ. तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया कि चलो अब हम उस पर कुछ डीप सोचेंगे, कुछ जहां जहां से कुछ मिलता है वहां से प्रिपरेशन करेंगे. तो प्रिपरेशन करते करते मुझे ऐसा हो गया कि उठते बैठते मतलब मैं इग्निशिया जी रही हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा कि हर बार मुझे वो जैसे मैं स्टडी करने लगी तब मुझे जो मेरे पेशेंट थे, मेरे रिलेटिव, मेरे सगे अपने, वो मैं मुझे याद आने लगे कि अरे हाँ वो तो कितना सहती है, शादी की है, ऐसे लगता है मैरिज हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल. तो एक एक करके मुझे सब याद आने लगे. और मेरे मेरे घर में बेटा, मेरी बेटी, हस्बैंड, इनको तो अब बाय हार्ट हो गया है इग्नेशिया. जो भी मेरे सामने आता था उनको मैं एक एक स्टेट बताने लग जाती हूँ. तो हस्बैंड बोलते थे हाँ अब तो तुम ये बताओगी, हाँ अब तो अभी बताया ना तुमने. तो मैं क्या करती थी, अच्छा ठीक है आपको नहीं बताया ना, बताना है ना, तो मैं कोई एक चीज उठाती थी और उस चीज को देख के कहते हाँ इग्निशिया ऐसी है. तो फिर इस तरह का हमारे घर में माहौल था. और मेरा बेटा बेटी, उनको तो इग्निशिया बाय हार्ट हो गया. मेरा बेटा भी मेरे क्लिनिक में, जब उसका स्कूल खत्म हो जाता है तो क्लिनिक में रुकता है मुझे हेल्प करने के लिए. तो पेशेंट के बैक साइड में वो रुकता है, और वो जैसे जैसे वर्जन देता है ना पेशेंट, वो हंसता है. और बाद में मुझे बताता है कि ये सेपिया है देखो. और ये पेशेंट जो है ना, उसकी वजह से मैं क्रैक कर पाई, क्योंकि मैंने उसे बताया कि ये क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई. टैब भी लग रही थी, नेट्रमूर भी लग रही थी, सेपिया तो वैसे ही सेपिया लग रही फर्स्ट पे थी. तो वो बोला ये कितनी सेंसिटिव है. तो मैंने सेंसिटिव वुमन का रूब्रिक सर्च किया तो वो मुझे मिल गया. तो जैसे कि इसका किसी को कुछ पता नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना, एक बार उनको कभी कभी दिखाने से भी हमें हेल्प होता है. तो मेरे घर में आज ऐसी कंडीशन है कि अभी कोई क्वेश्चन पूछे ना आप मेरे हस्बैंड को, बेटी को, तो वो बता देंगे. वो इतना मैंने उनके कानों में ऐसे भरा है, इग्निशिया ऐसा होता है वैसा. ये सारा क्रेडिट डॉक्टर परवीन सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ तुम कर सकती हो. तो मेरा एक ही कहना है सबको, एक बार तो VC करो. अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हर मंथ मैं VC करूंगी, और एक एक रिमेडी को मैं इतना पक्का करूंगी कि बस. और मुझे अब पता चला कि रिमेडी क्रैक करना आसान है, ग्रुप में दंगा मस्ती करना आसान है, लेकिन VC करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है. लेकिन हाँ हम सीख जाते हैं बहुत. तो थैंक्स टू डॉक्टर परवीन सर कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो सुपर 30, जो 30 लोग मंथली यहाँ पे आते हैं,
वो एक एक ऐसा कुछ शेयर करते हैं कि उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी फ्रेंड इसी ग्रुप में है संजीवनी, तो उसका डेली मुझे फोन आता है, तो उनसे मैं बातचीत करती हूँ कि हम इस ग्रुप से भी कुछ सीखे ना तो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर परवीन सर, बार बार मैं ऐसा ऐसा हो गया कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि मैं क्या कहूँ, कैसे मैं अपना ग्रेटिट्यूड अदा करूँ। सो थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच, एंड डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल मेंटोर्स। थैंक यू पूजा जी मैम, मैम। बहुत बड़े बहुत हाँ पूजा मैम, बहुत बढ़िया सेशन हुआ। और आपके जो एक्सपीरियंस सुनाया ना अपने बेटे ने ऐसे ऐसे, सच में ये आपने केस शेयर किया ना, मेरा बेटा 7th क्लास का, उसने तो मेरे नोट्स देख के वो बोल रहा था ये काली कर्व पेशेंट है वो, और सच में उसको एकोनेट दिया था मैंने, वो काली कर्व सक्सेस हो गए। कभी कभी हम हैंग हो जाते हैं ना, फैमिली मेंबर हमसे ज्यादा होशियार होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका एक्सपीरियंस सुन के, है ना। और जैसे पूजा मैम ने बहुत बढ़िया शेयर किया ना, मेरा फर्स्ट केस है ना, मैंने सिर्फ प्रेजेंट किया था, बाकी सब परवीन सर सभी जो रूब्रिक्स वगैरह सब आंसर उन्होंने दिए थे, इसलिए हर पॉइंट में जैसे मैंने मैंने कहा ना, सुबह राहुल, एक सेंटेंस दे डॉक्टर राहुल दिया। आपने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, जब तक बीसी डायरेक्ट बीसी नहीं है वो प्रेजेंट माना ही नहीं जाएगा। मैंने तो सुबह ही कहा था कि मतलब किंग तो सारे बनते हैं, लेकिन किंग बनाने वाले हैं परवीन सर। विसी के लिए वो कॉन्फिडेंस देते हैं, आप करिए मैं हूँ, इस तरह बोल के सबको, सबके स्किल को वो बाहर लाते हैं, उनका स्किल डेवलप करते हैं। होता सब में है, लेकिन उसको चांस देना, उनको ये करना, उनका स्किल देखकर उनको आगे लाना, ये काम परवीन सर ने बहुत, कहते हैं ना पंजाब की भूमि, क्या बोलते हैं सर आपको, आप कुछ तो बोलते हैं ना पंजाब के बारे जी में, प्यार की नगरी। तो सच में सर ने हमें इतना हाँ कुछ पूजा मैम, मतलब आया। गुरु की नगरी प्यार की नगरी, यही यही। हाँ, तो इस टाइप का है ये। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। जी माय प्लेजर मैम। और दूसरा ये है मैम, ये सब मेरे लिए बोल रहे हैं, जबकि देखा जाए तो ऐसा है नहीं, सिर्फ ये है कि मैंने उनको बार बार बोला ये कि नहीं आप कीजिए आप कीजिए, क्योंकि ये जो एक हमारे मन में एक हेजिटेशन रहता है, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ हर एक डॉक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ डॉक्टर हैं मेरे माइंड में, बल्कि सबके लिए ये मैं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग बीसी करते हैं या ऑनलाइन सेशन करते हैं, पेड सेशन करते हैं, तो हमको पता है कि उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारा कितना उसमें हार्ड वर्क रहता है, हम कितना पढ़ते हैं, कितना स्टडी करते हैं, कितना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते समझते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि और हमें क्लैरिटी आता है, हमारी खुद की लर्निंग उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए मेरा ये हर एक को आग्रह रहता है कि जो भी हमारे ग्रुप में केस प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा उनको सेकंड पॉइंट जो रहता है वो यही रहता है कि बीसी कितने बजे करना है। तो उनकी तरफ से कभी आता है कि हम बीसी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डिस्क्लोज करेंगे, तो मेरा सभी को ये रहता है कि बीसी भी कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता है कि कितना उसके बाद चेंज आता है हम सभी में। जैसे पूजा मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कुछ नहीं है, जस्ट ये हमारा हेजिटेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर गलती होगी भी तो गलती हमसे होती ही है, तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, बार बार उस गलती को करते रहना वो थोड़ी गलत बात होती है, अदरवाइज मिस्टेक होना बड़ी बात नहीं है। और बहुत बढ़िया बीसी था मैम, और बहुत नाइसली आपने केस को भी एक्सप्लेन किया, सर और दो इग्नेशिया। मिनट सर, जी जी एंड करने से पहले वेलकम मैं मैम। भी एक बार थोड़ा दो बोलना चाहूंगी। एक्चुअली जी पूजा मैडम से जी मेरी भी बात हुई थी, तो बहुत ज्यादा नर्वस भी थे, लेकिन बात करने के बाद वो तैयार भी हो गए और उन्होंने आज फुल टू धमाल कर दिया है। वेरी गुड मैडम, और स्पेशल थैंक्स रियली आपको सर, परवीन सर, कि आप बोलने वाला भी होना चाहिए लाइफ में। अगर बोलने वाला नहीं रहता तो हम आगे नहीं बढ़ते थे। और सही में बोल, अभी आप समझोगे मैडम कि कितना हम लोग पढ़ जाते हैं विसिव तैयार करने के लिए, और हमारा हम आगे जाते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपीरियंसेस से बाकी भी लोग आगे जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी आगे आए और जो भी अपनी केसेस से लेके आओ,
और ये फैमिली, यहाँ डरने की बात ही नहीं है, गलत भी हुए तो सुधारने के लिए हमारे मेंटर्स है, मनोज सर है, परवीन सर है, दिलीप सर है, बाकी भी हमारे मेंबर एकदम ना बोले भी आगे आ जाते। तो फिर से मैं एक बार परवीन सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा भी कॉन्फिडेंस बनाया और इसके लिए मैं आज कुछ तो बोल सकती हूँ सबके सामने। थैंक यू जी। थैंक यू माधुरी मैम। और सभी के पास है, सभी टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना यूनिक जो रहता है ना, तो हम सभी को भगवान बहुत यूनिक बनाते हैं। कुछ हमें माइनस पॉइंट भी रहते हैं और कुछ प्लस पॉइंट भी रहते हैं, तो हमारे माइनस चीजों को देख के हमने उस तरह से भी नहीं कि हम तो माइनस में ही हैं, हमें कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता है। हमारी अच्छी चीजों के ऊपर और काम करके उनको और अच्छा करना होता है, और हमारी नेगेटिव चीजों को उसके ऊपर काम करके उनको थोड़ा कम करना रहता है। तो यही बैलेंस है, और बैलेंस में ही जीने का प्रयास करना रहता है। तो मैं फिर से एक बार हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे आइए आप लोग और अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए। हमारी तरफ से आपको पूरा हेल्प मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो जो भी हम आपको जिस तरह भी हेल्प कर पाए वो हम आपको हेल्प करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स केस प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा उनका भार भी कम होगा, क्योंकि हर बार प्रिपेयर करना ये कई बार पॉसिबल भी नहीं रहता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कभी बच्चों की स्टडी आ गई, एग्जाम आ गए, या कुछ फंक्शन आ गए, मैरिज का सीजन रहता है, तो ऐसे अलग अलग चीजें रहती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आइए, शेयर कीजिए। तो वंस अगेन ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड पूजा मैम, वंडरफुल सेशन मैम, ऐसा लगा ही नहीं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे और हेजिटेशन हो रहा था आपको, और आपने बहुत ब्यूटीफुली इग्नेशिया का ये जो फैसेट है ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही बढ़िया केस था जी। और जो CPR आया, नेक्ट्रम्यूर आया, इस तरह की जो जो भी रेमेडी आई वो बिल्कुल आनी चाहिए, पल्साटिल्ला भी इवन हो सकता है, ये आनी ही चाहिए ऐसे केस में। और साथ में हमको उनका DD भी आना चाहिए कि उनको DD कैसे करना है। सुमिता मैम आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज ऐड कीजिए। मैम फैंटास्टिक सेशन, बहुत ही अच्छा लगा, जर्नी तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। तो आज के इस शानदार VC को वाइंड अप करते हैं मैम, या आपने कुछ ऐड करना है? थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे VC करके, और कॉन्फिडेंस आ गया है। हर मंथ मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास जो है, एक्चुअली हमारे पास जो होता है, हमारे पहले वाले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया है और इजीली हमारे हमारे पास आया है, वही हम शेयर करते हैं, लेकिन इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पहले लोगों ने तो साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है, हमें पता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने कितना सहा है, डॉक्टर बोनी हुसैन ने रेपर्टरी बनाने के लिए कितने कष्ट लिए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। बस हमें फील लेना है, थोड़ा सा और काम करना है। काम तो सभी करते हैं और करना चाहिए, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन वाले लोग बहुत काम करते हैं, हम है कि थोड़ा सा काम करना, जो हार्ड वर्क होता है ना, तो वो काम या फिर हेजिटेशन, कुछ ऑकवर्डनेस, इसमें थोड़ा सा ये होता है, लेकिन हमें वो करना चाहिए। अगर कर दिया तो ये साइंस इतना अच्छा है, इतना अच्छा फील करती हूँ मैं कि मैं होम्योपैथी से जुड़ी हुई हूँ, IHF से जुड़ी हुई हूँ। सो ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर परवीन सर, एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो हमारे जो विनर्स हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे IHF फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत आभार उनका, उनके पार्टिसिपेशन के लिए एंड
कोर्ट के लिए। तो वाइंड अप करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीसी में। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, उसमें वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी आने वाला है, राव सर मोहंती सर इनका बर्सी भी आने वाला है, और जुलाई में मोहंती सर का बर्थडे है, अप्रैल में मोहंती सर का और राव सर का बर्सी है, और कैंट सर का भी है। तो ये बहुत आने वाले महीने जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, तो हम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी मिलके कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे सेशन कर पाएं जिनका सबको बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।